हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग पैरा गाइस। होप कि सब ठीक होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो दगड़े वेल बाजरा ऑन रतेक नौ। तो ब्लॉग स्टार्टिंग थोड़ा लेट होने तो धूप हमारे वहाँ आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गाइस, अम्मा घर ही हैं आज, मतलब दिन में जाने वाले हैं, तो अम्मा यहाँ पे पी रही है चाय। हेलो हेलो गाइस, अम्मा अंदर पे हैं। अम्मा ने नाश्ते में बना रखे पकौड़ी और साई बना रहे हैं। अम्मा अभी बनी नहीं है, पकौड़े तो बन चुके हैं, अम्मा ने खा भी लिया, हमने नहीं खाया अभी। तो गाइस मिलते हैं अभी। मौसम तो एकदम क्लीन है आज, कल तो थोड़ा बादल बादल था, आज तो एकदम साफ है। बूबू तो चले गए बेरी नाग है, अल्लाह दर्द भूल गई। तो बूबू तो चले गए बेरी नाग। हाँ माँ क्यों? हाँ अम्मा बल मैंने पकौड़े बना दिए, बल तो आपको भी दिखाते हैं। ये देखो अम्मा खाने लग गए हैं चाय के साथ। गाइस ये देखो अम्मा ने आज पकौड़े बना रखे हैं नाश्ते पे। बूबू तो खा के चले गए हैं, अम्मा ने भी खा दिए हैं। अभी अम्मा और मैं खाने वाले हैं। अभी साई भी बन रहा है, मतलब अम्मा बना रहे भदियाल में बनना साई या चावल। बुबू बेरनाक गन्ने काट के भी ले गए हैं, ये बीज रखे हैं क्योंकि बाद में लगाएंगे बुबू। अब थोड़े से ही गन्ने बच रखे हैं बुबू लोगों के। देखो गाइस ये देखो साई, अम्मा पसंदने वाली खाने वाले कंधी अम्मा और अम्मा और मैं। गाइस अम्मा ने किसम किसम पका रखा है आज। गाइस ये देखो अम्मा को कपड़े धोते धोते आज इतने रुपए मिल गए। ये देखो ये बुबू के जेब में, बुबू अम्मा के लिए घर छोड़ के गए आज इतने पैसे। अम्मा 380 रुपए मिल गए को मगे। 380 रुपए मिल गए मेरे को, गाइस अम्मा को 380 रुपए मिल गए आज सुबह सुबह। तो गाइस अम्मा तैयार हो चुकी है बेरी नाक के लिए। अम्मा लगाने लग गई है पठिया पिठिया पिठिया, टुक्का बेटी लगाओ बेल। अम्मा आरती और मैं जा रहे हैं अम्मा को हरियात तक पहुंचाने। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चमखेत। ये देखो इतने बंदर आए हैं, तभी तो मैं साथ में आरती और राहुल को लेके आई। ये देखो ये हो। हेलो गाइस ये देखो गाइस ये इतने बंदर आ रखे ओ आए हैं। ये देखो पूरे भर रखे हैं यहाँ पे। ओह ये देखो ये। तो गाइस हम अम्मा को छोड़ के आ गए हैं, अम्मा चले गए हैं हरियात से। और ये राहुल को देखो इतने बड़े पेड़ में गया। ये देखो कहाँ है रे गाइस, पता नहीं दिख रहा है नहीं। ये देखो ये तो गया आंवले, इतने सारे आंवले हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा। पहले भी दिखाए थे शायद मैंने आपको यहाँ से, अभी भी थोड़े थोड़े आंवले जा रहे हैं, फिर जाते हैं घर को, चावल भी बनाना है घर जाके। गाइस ये देखो कितने सारे आंवले हो रहे हैं और ये राहुल कितने बड़े पेड़ में चले गया है। ये देखो पक रखे हैं आंवले, किसी को खा रहे होंगे तो बता देना कमेंट में, आंवले बहुत लाभदायक होते हैं। हेलो गाइस ये देखो कह दी मु डंडे। ये देखो कितने आंवले हो रहे, तो हम थोड़े से तोड़ते हैं। यहाँ पे पन्नी फेंक दी उसने पेड़ से, तो फिर हम चलते हैं घर को। ये देखो गाइस ये देखो इतने आंवले तोड़ दिए हमने, भारी हो रहे हैं बहुत। और यहाँ पे कट्टे में भी डाल दिया पन्नी में। और ये देखो राहुल पूरी टहनी लंगूर बंदर की तरह तोड़ के लाया है। ये देखो इतने सारे आंवले हैं इसमें, ये तो मेरे हैं। आरती के कहाँ हैं दिखा? मैंने इसमें डाल दिए गाइस, इसने भी पन्नी में डाल दिए हैं। ओह माय गॉड। तो गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं इतने आंवले क्यों ले जा रही हूँ, तो इनका मैं बनाऊंगी अचार न करने। तो गाइस फिर आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं। तो गाइस हमने भात वगैरह खा दिया है, अम्मा ने बनाया था भात मेरे घर आने तक, पयो भात पालक में पयो बना रखी अम्मा और भात। तो गाइस अब ना काफी थकान भी लगी, हम अम्मा को हरियात तक छोड़ के आए। अभी भी हाथ में आंवला या आंवला वैसे ही रखे हैं। अम्मा बोल रही है कि अचार बनाती है बल एक जने के लिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पानी भरने, लक्ष्मी भी आ चुकी है मेरे को बुलाने। मेरे सामने मैं कितनी काली दिख रही हो रही, कितनी बांध दिख रही है देखो। इधर आ दो गाइस, कितनी काली दिख रही है गाइस।
ठंडा तो कतई जहर वाला हो रहा है। गांव पे तो अब काफी ठंडा होने लग गया है, सुबह शाम तो बहुत ज्यादा, दिन में तो थोड़ी धूप लगती है तो अच्छा लगता है। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सब लोग भले रहिए, जय हिंद उत्तराखंड।